गुड मॉर्निंग एवरीवन. लिसन बेटा, आज 21 ऑनवर्ड्स बच्चों की टर्न है, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क सेंड करने की. और 1 to 20 रोल नंबर भी जिन्होंने सेंड नहीं किया आज तक सेंड कर दो, ठीक है. मार्क्स लगने ने ये, सो होमवर्क काफ़ी बच्चों का आ चुका है, बट जिन्हों का नहीं आया कर दो. उस तो बाद विच मैं लिस्ट पा देनी है थोड़े ग्रुप में कि किन बच्चों का हॉलीडे होमवर्क नहीं आया हले तक. क्लीयर है? सो कल आप कर रहे सी तू मेरा पिता तू है मेरा माता, ठीक है, काव्य रचना कर रहे सी आपा साहित्य माला दे विचो दी, ठीक है. तो आज असी ये बेटा केंद्रीय भाव करांगे. क्लियर है? केंद्रीय भाव कौन सुनाएगा मैनू? कल असी पूरा पढ़िया सी शब्द, श्री गुरु अर्जन देव जी का लिखा हुआ शब्द है. कौन सुनाएगा इसका केंद्रीय भाव? रेज योर हैंड. केंद्रीय भाव कल पूरा असी पढ़िया, डिटेल विच पढ़िया. ओके, यस जसलीन, पार्टिसिपेट करो बच्चे, सुनाओ मैनू, तुहाडे कोल ही आंसर सुनने ने मैं हुण. हां जी जसलीन मैम, मैं पहले पूछना सी कि जिवें असी केंद्रीय भाव है, असी केंद्रीय भाव च असी वर्ड यूज करना है या फिर गुरु अर्जन देव जी बारे यूज करना है कि उन्होंने इदां की गुरु अर्जन देव जी बारे यूज कर लो, फिर बाद में तुसी मैम जितना है ठीक है तुसी बोलो, मैं तुहानू दस दी आ. स्टार्टिंग तुसी करो, ठीक है? ठीक है मैम. तू मेरा पिता तू है मेरा माता शब्द गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखा गया है. इस शब्द विच गुरु साहिब जी ने परमात्मा दी सिफत कीती है. उन्होंने परमात्मा नू अपना पिता माता रिश्तेदार भरा अपना पूरा परिवार दसिया है. परमात्मा दे हुंदे उन्हां नू कोई डर चिंता नहीं क्योंकि परमात्मा हर थां ते उन्हां दा राखा है ते उन्हां दी कृपा नाल असी सारे अपने आप एक दूजे नू रब नू पछाणदे हां. परमात्मा तो इलावा साडा कोई सहारा नहीं. परमात्मा जिहा कोई नहीं अते है जिहदा सिरजनहारा भी परमात्मा ही है. परमात्मा नाल ही हर काम दा है. सच जो परमात्मा कर रहा है साडा इस उत्ते कोई जोर नहीं. परमात्मा दा नाम लेने सुख प्राप्त हुंदे हन ते असी परमात्मा दे गुण गा के अपना मन ठंडा ठार ले हां ते सानू आनंद आ जांदा है. सच्चे परमात्मा दे परमात्मा नू पा इस तरह असी परमात्मा नू पा लैने हां ते संसार दे मोह माया तो दूर हो जाते हां. ठीक है, गुड गुड. हांजी कोई होर केंद्रीय भाव? नो वन. सी बेटा, मैनू लग रहा है कि सिर्फ एक जसलीन ने पोइम सुनी है, बाकी किसी ने नहीं सुनी, बिकॉज तुसी कोई बच्चा हैंड रेस नहीं करता, ठीक है. पार्टिसिपेट, अगर कल्ला मैं ही बोली जाऊंगी तो थानू कुछ नहीं समझ लगना, तुसी पार्टिसिपेट करोगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है. क्योंकि कल पूरा पीरियड एक छोटी जी ये काव्य रचना सी, पूरा पीरियड मैं ये लगा दिता, ठीक है. सो केंद्रीय भाव जो जसलीन ने बोलिया ठीक है, राइट, कि पहला तुसी लिखोगे कि तू मेरा पिता तू है मेरा माता जिहड़ी काव्य रचना है ये श्री गुरु अर्जन देव जी जो कि सिखां दे पंजवें गुरु सन उन्हां द्वारा लिखा होया है, ठीक है. इस विच गुरु जी परमात्मा नूं ही सब कुछ मानते हैं, अपना माता पिता अपना रिश्तेदार अपना भरा मानते हैं, तो वह कहते हैं कि परमात्मा ही मेरा हर थां ते रखवाला है, मेरी रखवाली करता है. जे परमात्मा मेरे नाल है तो मैनू किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, मैनू किसी चीज का कोई डर नहीं है, ठीक है.
ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਵਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਯੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਧਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਧਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
थर्ड विषय हो गया सेम। अगे थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। परमात्मा दे नाम सिमरन नाल की हुंदा है। ये आपां तुहानूं याद होवे तां असीं जिहड़ियां पहलियां काव्य रचनावां कीतियां कितें ना कितें असीं ये क्वेश्चन कीता ही होया है, ठीक है, कि परमात्मा दे नाम सिमरन नाल की हुंदा है। हां जी जसलीन मैम, मैं पूछना सी जो दूजा क्वेश्चन है, उन दे विच रिश्तेदार नाल रिश्ता रख के सी परमात्मा दे इसे तरह मतलब की गुरु जी ने हर एक जो रिश्ता है परमात्मा दे नाल जोड़िया, हर एक रिश्ते तो वड्डा एक परमात्मा दा नाम, ठीक है। इस तरह गुरु जी ने उन्होंने सतिकारिया सीगा कि तुसी तुहाडे तो दूसरा कोई नहीं है, तुसी हर एक रिश्ते तो उपर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा दे नाम सिमरन नाल की हुंदा है। की हुंदा है परमात्मा दे नाम सिमरन, तो कॉमन ही है, हुण तुहानू आ गया होएगा। यस हिमानी, हिमानी जो इंसान सच्चे दिल नाल परमात्मा दा नाम लैंदा है उसनु महासुख मिल जांदा है अते उसनु दुनिया दी मोह माया नाल कोई फर्क नहीं पैंदा ते उसदे सारे दुख दूर हो जांदे हन। वेरी गुड, गुड। निष्ठा, परमात्मा सर्व व्यापक है अते सर्व शक्तिमान है। परमात्मा का नाम सिमरन करन नाल महासुख की प्राप्ति होती है अते सारे दुख सुख मिट जाते हैं। उस इंसान नूं मोह माया नाल कोई प्यार नहीं रहिंदा, वह सिर्फ परमात्मा का नाम जपना जानता है। एहो जिहा इंसान जो परमात्मा का हर वेले नाम सिमरन करता है जिंदगी दे खेल तमाशे विच हमेशा जितता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कि परमात्मा दे नाम सिमरन नाल की हुंदा है, जो परमात्मा दा नाम सिमरन करदा है उनू महासुख मिलदा है। इत्थे लिखा होया ना कि नाम ते आए महासुख पाया, जो परमात्मा दा नाम लैंदा उसनू महासुख मिलदा है, उहदे सारे जिहड़े दुख हन उह कट्टे जांदे हन, ठीक है, उह जग उत्ते जित प्राप्त कर लैंदा है, ठीक। इस तरह परमात्मा दा नाम सिमरन दे नाल मनुख नूं शांति भी मिलदी है, उसदा मन जिहड़ा शीतल आ जांदा है। नैक्सट लिखो, परमात्मा नूं लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, परमात्मा नू सिरजनहार क्यों कहा गया है। परमात्मा नू सिरजनहार क्यों कहा गया है, सिरजनहार मतलब सारी सृष्टि नू सिरजन वाला, रचन वाला, क्यों कहा गया है परमात्मा नू सिरजनहार। परमात्मा नू सिरजनहार क्यों कहते हैं आप, क्योंकि इसने सारी सृष्टि की सिरजना की है। एक लाइन नो, इनू इलैबोरेट करोगे, ठीक है, कि परमात्मा नू सिरजनहार इसलिए किया गया है क्योंकि इसने सारे संसार की सृष्टि की है। सारे संसार विच जिन्ने भी जीव जंतु हैं वो परमात्मा दे मेहर दे नाल ही इस दुनिया ते आए हुए हैं, ठीक है। ते परमात्मा दे आपा लिखा सी ना इतने थोड़े लिखा बुक विच, जी जंत सब तुद पाए जित 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 पाणा तित तित लाए। ते इतने लिखना है कि जी जंत सब परमात्मा दे ही सिरजे हुए हैं, उन्होंने ही पैदा किए हैं। ते जिस जिस काम विच परमात्मा की मर्जी अनुसार जो परमात्मा की मर्जी सी उस काम विच सारे जीव जंतु लगे हुए हैं, ठीक है। सारी सृष्टि नू सिरजन वाला है, इसलिए आप इन्हों सिरजनहारा कहने हैं, ठीक है। ये चार क्वेश्चन ने बेटा, क्लियर, टोटल चार क्वेश्चन, पेयर कॉपी ते कर लियो, इन्हां नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया होएगा तो शो मी योर थम्स अप ताकि मैं इन्हां नूं इरेज करां ते आपां वन वर्ड क्वेश्चन करिए। वन वर्ड क्वेश्चन जिन्ने इत्थे हो सके ठीक है, अदरवाइज मैं तुहानूं असाइनमेंट भी भेज देवांगी, ठीक है, जिस तरह मैं पहला भेजदी हाँ असाइनमेंट। ओके, थैंक यू, राइट। सो नाउ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर।
पहला ते कि यह काव्य रचना किसकी रची हुई है, राइट डाउन शब्द का पूरा नाम लिख के यह काव्य रचना किसकी रची हुई है। अमृतपाल हाँ जी बोलो। गुरु अर्जन देव जी दी। हाँ जी गुरु अर्जन देव जी दी लिखी हुई है। ठीक है गुरु अर्जन देव जी की रची हुई है। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन रचना किसकी लिखी हुई है, यह रचना कर लो या ऊपर पूरा उसका नाम लिखना है। ठीक है सेकंड क्वेश्चन गुरु अर्जन देव जी सिखा दे किनमें गुरु सन, गुरु अर्जन देव जी सिखा दे किनमें गुरु सन, कल दस्या है मैं थानू, नोट कर लो बेटा क्योंकि असाइनमेंट भेजते भेजते कई बार एक अद्धा क्वेश्चन स्किप भी हो जाएगा तो क्लास में भी हो जाएगा डबल काम। ठीक है हाँ जी अमृतपाल पंजवे गुरु। ठीक है तो सबनों पता है बेटा बाकी भी आंसर दो। ठीक है पंजवे गुरु। थर्ड गुरु जी दे माता पिता का की नाम सी, ठीक है ये लिखा होया है तुहाडे माता जी का नाम, अगेन अमृतपाल हाँ जी मैम पिता जी का नाम गुरु रामदास जी और माता जी का नाम बानी जी। ठीक है गुड पिता जी का नाम गुरु रामदास जी जो कि सिखा दे चौथे गुरु सन ते माता जी का नाम पानी बीबी पानी लिख सकते हो। ठीक है नेक्स्ट गुरु जी दी शाहकार रचना केड़ी है, शाहकार शाहकार की मतलब बहुत बड़ी रचना कल सारा करवाया हुआ है फिर भी तुसी सुखमनी साहिब। सुखमनी साहिब ठीक है गुड राइट ये तो सीगे जेडे क्वेश्चंस पहले पैरे दे विचो दी रचनहार दे बारे भी आ सकता है। ठीक है रचनहार दे बारे क्वेश्चंस आ सकते ने। आगे देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो गुरु अर्जन देव जी किस नो माता पिता दे रूप विच देख दे हन। फिफ्थ क्वेश्चन गुरु जी किस नो माता पिता दे रूप विच देख दे हन। ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ परमात्मा किथे किथे मौजूद है, परमात्मा किथे किथे मौजूद है, निष्ठा मैम परमात्मा हर थां उत्ते मौजूद है। ठीक है परमात्मा हर थां ते मौजूद है कण कण विच मौजूद है। ठीक है ते परमात्मा इसलिए आपां उहनां नूं सर्वव्यापक कहिंदे हां। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन या ए भी आ सकदा है कि सिरजणहार कौन है परमात्मा। ठीक है इस तरह दे क्वेश्चंस भी बन सकदे ने सिरजणहार कौन है परमात्मा लिखना तुसीं लिख सकदे हो अपनी कॉपी उत्ते वैसे ही तुसी नोट डाउन करना तुसी वैसे भी बुक उत्ते अपना जस्ट लिख सकते हो पेंसिल दे नाल कौन प्रॉपर क्वेश्चन दी फॉर्म च चाहे ना लिखो। नेक्स्ट
सारे जीव जंतु किस से पैदा किए हुए हैं? राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सारे जीव जंतु किस दे पैदा किए हुए हैं? मोस्टली आंसर सेम ने। हाँ जी जसलीन, सारे जीव जंतु परमात्मा दे पैदा किए हुए, सारे जीव जंतु परमात्मा दे ही सिरजे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साडा आसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, 8th क्वेश्चन, साडा आसरा अते मान कौन है? साडा आसरा या सहारा अते मान कौन है? साडा आसरा या सहारा अते मान कौन है? निष्ठा साडा आसरा या सहारा अते मान परमात्मा ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा का नाम सिमर के किस दी प्राप्ति हुंदी है? परमात्मा का नाम सिमर के किस दी प्राप्ति हुंदी है? हिमानी, परमात्मा का नाम सिमर के सुख शांति की प्राप्ति होती है। सुख शांति की प्राप्ति होती है, या बहुत बड़े सुख की, या आत्मिक सुख लिख सकते हो तुसी। ठीक है, आत्मिक सुख भी साड़ी मतलब के इंटरनल सानू सुख प्राप्त होता है। ठीक है, आत्मिक लिख लो क्या, आत्मिक, आत्मिक सुख की प्राप्ति। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा दे गुण गाण नाल, परमात्मा दे गुण गाण नाल किस नू शीतलता मिलती है? परमात्मा दे गुण गाण नाल किस नू शीतलता मिलती है? शीतलता मीन्स ठंडक, ब्रैकेट विच चाहे तो फिर ठंडक भी लिख सकते हो। किस नू मिलती है निष्ठा? परमात्मा दे गुण गौण नाल मन नू शीतलता मिलती है। ठीक है, मन जड़ा है और मन नू ठंडक मिलती है, या मन नू, या एक हो सकता है क्वेश्चन सुन लो, ये थानू आंसर मोस्टली पता ही होएगा कि किस तो ऊपर और कोई नहीं है, किस तो ऊपर, क्वेश्चन चाहे लिखो नाली, किस तो ऊपर होर कोई नहीं है, किस तो ऊपर कोई नहीं है? सेम, हाँ जी कृषान, कृषान, परमात्मा तो ऊपर कोई नहीं है। हाँ जी ठीक है, परमात्मा तो ऊपर कोई नहीं है, गुड आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, उस तो बाद विच बेटा लिखो, बंधक शब्द का अर्थ दसो, क्योंकि थानू पता है कि विचू दी कोई ना कोई क्वेश्चन, सॉरी वर्ड का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। बंधक शब्द का अर्थ जसलीन, जसलीन बंधक शब्द का अर्थ है, हाँ जी बंधक शब्द का अर्थ है प्राण, बंधक शब्द सॉरी रिश्तेदार, हाँ जी रिश्तेदार, रिश्तेदार, गुड, बंधक शब्द का अर्थ है रिश्तेदार। नेक्स्ट मैं थानू इतने ना वर्ड मीनिंग जड़े है वर्ड्स लिख दी हां, तुसी उन्हां दे मीनिंग लिखने आ तो थोड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राता शब्द, नेक्स्ट है प्राता शब्द का की अर्थ है? ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन ही बनाने जैसा मैं कर रही हूं, इदा बना लो, प्राता शब्द का की अर्थ है? मेहुल, मंप्रा, ठीक है प्रा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े आया बेटा पौ, नेक्स्ट आया पौ ते
काड़ा, एदा हो गया प्रा, पौदार्थ। हाँ जी जसलीन, मैम पौधा पौदार्थ है। ठीक है, पौदार्थ है डर, ते काड़ा दार्थ की है, काड़ा दर्थ की है, पता है किसी नू काड़ा दर्थ? ओके, काड़ा दर्थ है बेटा चिंता। ठीक है, काड़ा दर्थ है चिंता। और देखो काफी सारे शब्द आए ने जिस तरह ओट। ठीक है, ओट पूरा खुला, ओट मीन्स सहारा या आसरा। ठीक है, ओट मीन सहारा या आसरा। एक आया हुआ है अवर ना कोई, अवर मतलब तुहाडे तो ऊपर कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं, अवर मतलब ऊपर। अपनी बुक उत्ते ही पेंसिल दे नाल लिखी चलो। ठीक है, इन्हां नू क्वेश्चन दी फॉर्म विच लिखना है लिख लो, दैट्स योर विश। बट जे अगर तुसी ईजी करना चाहते हो तो पेंसिल दे उपर, ओ, बुक दे उपर ही लिख लो पेंसिल दे नाल। अवर मतलब उपर, अखाड़ा जियो तेरा खेल। अखाड़ा इत्थे की किया गया है संसार नू। ठीक है, अखाड़ा मीन संसार दुनिया। ठीक है, संसार या दुनिया। नेक्स्ट उपाय, जी जंत सब तुद उपाय। तुद मतलब तुहाडे, उपाय मतलब सिरजे पैदा कीते। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे तुहाडे। पाणा मतलब परमात्मा दी मर्जी। ठीक है, परमात्मा दी मर्जी। नाम त्याए, नाम सिमरन करना। नाम त्याए, नाम सिमरन करना। हर मतलब परमात्मा, शीतलाया मतलब ठंडक। ठीक है, बिखाड़ा जिता मतलब जित, जिता मीन्स जित लिया, ते बिखा मीन्स वड्डा खेल, कि इस संसार दा सब तो वड्डा खेल जो मोह माया दा खेल है उसनू ओ इंसान जित लैंदा है जिसनू गुरु दी प्राप्ति हुंदी है। ठीक है, डन। किन्ने क्वेश्चन हो गए साडे, शॉर्ट क्वेश्चंस? शॉर्ट क्वेश्चंस टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बाद विच तुसी मैनू भेज दियो। ठीक है, कि केड़े केड़े क्वेश्चन आपा कर ले हुए ने। मनुख नू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मनुख नू परमात्मा दी प्राप्ति किवें हुंदी है। मनुख नू परमात्मा दी प्राप्ति किवें हुंदी है। हां जी अमृत, परमात्मा नाम लै, मैं नाम से मंदर रहना। परमात्मा दा नाम लैण नाल ठीक है परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है। ओके, परमात्मा दा नाम लैण नाल, या एक आपां इह वी तां लिख सकदे आ ना, सच्चे गुरु दी जदों सानू सच्चे गुरु दी मेहर हुंदी है उसदा जदों उसदी सानू मेहर सदका आपां परमात्मा दा नाम लैंदे हाँ ते सानू परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है। ठीक है, इह वी आपां लिख सकदे हाँ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस काव्य रचना विच, नेक्स्ट, इस काव्य रचना विच अखाड़ा किसनू कहा गया है। वही आ गया एक तरह नाल मीनिंग ही आ गया, बट थोड़ा दूसरे वे दे नाल भी बन सकता है। इस काव्य रचना विच अखाड़ा किसनू कहा गया है, संसार नू या दुनिया नू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ना लॉन्ग क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और लिख लो कि मनुख मनुख वेट गुरु जी ने, सॉरी मनुख ना लिखो, गुरु जी ने सब कुछ परमात्मा दा ही क्यों कहा गया है, गुरु जी ने सब चीजा नू परमात्मा दा ही क्यों कहा है, क्यों कहा है गुरु जी ने सब चीजा नू परमात्मा दा, थोड़ा इनू आप लॉन्ग क्वेश्चन विच लईए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, गुरु जी ने सब चीजा नू परमात्मा दा ही क्यों कहा है। हाँ जी निष्ठा, गुरु जी ने सब चीजा नू परमात्मा दा इसलिए कहा है क्योंकि सारिया चीजा परमात्मा वालों सिर्जिया जांदियां हन, असीं भी परमात्मा वालों सिर्जे गए हाँ, अते एक भी पत्ता परमात्मा दी गजा तो बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, गुड, राइट, के गुरु जी ने सब चीजा नू परमात्मा दा ही क्यों कहा है, वो कहते हैं कि मनुख दा इत्थे कुछ भी नहीं क्योंकि मनुख ने अंत विच परमात्मा विच ही जाके मिलना है, ते परमात्मा दी मेहर सदका ही सारे दुनिया ते काम हुंदे ने, उहनां दी रजा तो बिना या मर्जी तो बिना एक पत्ता तक नहीं हिलदा, ठीक है, इसलिए तो उन्होंने कहा है कि तुहाडे तो वड्डा कोई नहीं है, ते जो कुछ भी इस संसार विच है वो सब कुछ तुहाडा है, मनुख दा इत्थे कुछ भी नहीं है, ठीक है, दुनिया नाशमान है, ते अंत विच सारिया ने की होना है, नाशमान ही होना है, ते जाके परमात्मा विच ही मिलना है। क्लियर बेटा, ठीक है, काव्य रचना कंप्लीट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख लियो अपनी कॉपी ते, ठीक है, पहला तुसी अपना हॉलीडे होमवर्क मेनू सेंड करोगे, उस तो बाद मैं जो कॉपी मंगवावांगी फिर मैं थोनू मैसेज कर दवा कि इस दिन थोड़ी कॉपी आनी है। क्लियर, किसी नु कोई डाउट होवे तो मैं पूछ लो। हाँ जी जसलीन, जसलीन मैम तुसी लास्ट वाला बड़ा क्वेश्चन केड़ा बोले है? गुरु जी ने सब कुछ परमात्मा दा ही क्यों कहा है, गुरु जी ने सब कुछ परमात्मा दा ही क्यों कहा है, वर्डिंग थोड़ी बहुत ही चेंज हो सकती है बिकॉज में किते लिखे नहीं हुए बेटा, ठीक है, गुरु जी ने सब कुछ परमात्मा दा ही क्यों कहा है। ओके, सो साडे देखो काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, राइट, हर एक लाइन दे विचों दी शॉर्ट क्वेश्चन आपां कर लेने, लॉन्ग क्वेश्चन भी साढ़े चार पांच हो गए, इस तो इलावा जे कोई होर आ गया, ठीक है, तो फिर ओनू भी तुसी कर सकते हो अगर थानूं पूरी दी पूरी काव्य रचना समझ लगती है, ठीक है, तो इनू अपनी फेयर कॉपी ते कर लियो थोड़ी काव्य रचना कंप्लीट, किसी नूं कोई क्वेरी होवे तां पुछ लो, और आफ्टर दैट बेटा आपां कल साडा पीरियड है, कल आपां एक लेख करांगे, ठीक है, लेख करांगे, लेख नूं तुसी अपनी फेयर कॉपी ते नहीं करना, फेयर ते नहीं करना, वो थोड़ी बुक ते ही होएगा, बस आपां उहनूं डिस्कस करांगे, ठीक है, और गग्गा भाग दे मुहावरे साडे को जिन्ने हो सके उन्ने करांगे, ठीक है, गग्गा भाग और एक लेख, राइट,